Yeah, Julie, Changmala. Nyeminga Padma Namgya Linle. Tene ngaja One Buddhism. Tene Hanuran Moment ni Choksa Talo Yang. Wakamul Beng na Zangskari Pia. Sumpe Pia Tuition ni ngaja Class Po. Choste ngaja ngayam po jal che song. Ma Thatparak. Tene ngaja Teacher Changmang Ma Gyala Le Delhi na Man Teacher Gyalas. Kong Lapse ngaja Record Choste. Tia Minba Wakamul Beng Zangskari na nga. Wakena Madam Yangdol, Mulbega Madam Dejin, Zanskarla Madam Padma no Kong Sankas, Nija, Hamanga Kwanbo, Yang Ladaksina Shatter the Mocho Silhapjesin Okte Pengejes, E Silchesinang Gala Jose, Fisher Jose, Mana Joshik, then Nijes Hamago Kantezugana, Madam Pa Yang Tiste, Nija Tantan Hago Chukjesinok, Depianges, Fisher Jozat, then Stigma, Lunangaja Jipa. Dene logang aja klasere skedenjes chugnis pa sakpa chujesin dene subject ang talo sumyot singmen ang aja yang mangpo chosteng ngeja changma samnyan ngaje chogna program chujesin ngeja samnyan ngeje chogna huishar chose silches mo makhatoninok dene changma la jule changma la tashidelex huishar chose sil jule. Hello bicha, how are you all? So I am your, main aapki kaun si teacher hu? Environmental studies. अब आप पूछोगे मैम environmental studies क्या होते हैं? वो study, वो पढ़ाई जो आपको अपने आसपास के area के बारे में, आपके पास जो जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में बताती हैं। तो मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? Environmental studies, जिसको बोलते हैं EVS और science. तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ आज? Environmental studies. इसमें और मेरा नाम है निधि धमीजा. अब आप वही सब चीजें जो आपके आसपास दिखती हैं, क्या चीजें आपको दिख रही हैं, कहाँ पे आप रह रहे हो, कौन सी चीजों में आप रहना कंफर्टेबल फील करते हो, रहना रहने से ठीक लगता है आपको, वो सब चीजें आप इसमें देखते हो. आप कहाँ से आप पढ़ोगे वो आप इस विषय में पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट में पढ़ोगे जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज और साइंस. ठीक है. अच्छा, हमने अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? फैमिली एंड मी में. फैमिली, व्हाट इज फैमिली? देन टाइप्स ऑफ फैमिली, जिसमें था न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली. वन मोर, सिंगल पेरेंट फैमिली. फैमिली में टाइप्स ऑफ फैमिली, व्हाट इज फैमिली? ऑल द फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट सिट्स टुगेदर, लिव टुगेदर इज कॉल्ड फैमिली. इन व्हिच टाइप्स ऑफ फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली, इन व्हिच यू स्टे, आप मम्मा पापा और भाई बहन के साथ रहते हैं. जॉइंट फैमिली, इन व्हिच योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, सिस्टर, ब्रदर ऑल स्टे टुगेदर. सिंगल पेरेंट फैमिली, जहां पे सिर्फ एक पेरेंट, आइदर ऑफ द पेरेंट, आइदर मदर और फादर, either mother or father. So these are the types of family which we can study in family. उसके बाद हमने इसमें देखा family tree. Family tree, इसमें आपने activity करनी है in which you will be making a beautiful tree. एंड यहाँ पे आप ब्यूटीफुल ट्री बना के पिक्चर्स पेस्ट करोगे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सबकी पिक्चर्स पेस्ट होंगी. ये आपकी एक्टिविटी आपने कैट के साथ करनी है. ये एक्टिविटी आपने एक ब्यूटीफुल फैमिली ट्री बनाना है और पिक्चर्स पेस्ट करनी है. उसके बाद हमने किया होम डू यू लव मोस्ट इन योर फैमिली. कौन सा फैमिली मेंबर को आप सबसे ज्यादा अपनी फैमिली में प्यार करते हो और उसका एक रीजन क्यों? ये तीन चीजें, सबसे पहले हमने किया फैमिली, फिर हमने किया टाइप्स ऑफ फैमिली, देन फैमिली ट्री एक्टिविटी एंड देन लास्ट होम डू यू लव मोस्ट इन योर फैमिली. उसके बाद है नोट्स. व्हाई डज फैमिली, व्हाट डज फैमिली टीच अस? हमें अपनी फैमिली से क्या क्या शिक्षा, क्या क्या ज्ञान, क्या क्या मॉरल वैल्यूज मिलती है?
topic as pointers 1, 2, 3, 4, 5. Cooperation, love and care, respect, living together. These all things we get from our family. This you will be writing together. ये सब कुछ आप इकट्ठा एक जगह पे लिखोगे कि क्या क्या चीजें आपको अपनी फैमिली से मिलती हैं. और सबसे पहले आपने एक फैमिली की डेफिनेशन देनी है. देन टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड सिंगल पेरेंट फैमिली. उसके बाद आपने एक एक एग्जाम्पल देना है कि आप कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हो. आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो. उसके बाद आप बताओगे सबसे ज्यादा आपको किससे लव और अटैचमेंट है अपनी फैमिली में. देन आफ्टर दैट व्हाट ऑल मॉरल वैल्यूज, क्या क्या चीजें आप अपनी फैमिली से सीखते हो. दीज ऑल थिंग्स बिलोंग इन टू योर चैप्टर फैमिली एंड मी. नाउ व्हाट आर द रिलेशन विच यू गेट फ्रॉम इन दिस फैमिली. एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फादर्स, इफ योर टीचर आस्क वन क्वेश्चन, फादर्स मदर, आपके पापा की मम्मा जो होंगी उसको उनको आप क्या बोलोगे. रिलेशन फादर्स मदर में, देन फादर्स ब्रदर, देन मदर्स ब्रदर. अब आपने ये चारों चीजों में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट फादर्स मदर, योर टीचर विल गिव दिस क्वेश्चन टू यू. आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यू विल राइट वन रिलेशन, एवरी वन थिंग. आप सब एक बार अपने दिमाग में सोचो कि आपका ये क्या रिलेशन बनेगा जो मैंने आपको अभी इस चैप्टर में पहले बताया कि फादर की जो मम्मा होंगी उनको आप क्या बोलोगे. आपने फैमिली ट्री में बनाया है ग्रैंड मदर, दादी, क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर. इन योर पेटर्नल साइड, पापा की साइड पे, ठीक है, फादर ब्रदर अंकल, मदर ब्रदर अंकल, एंड ब्रदर फादर ग्रैंड फादर. मेटर्नल साइड, मामा की साइड पे, दीज आर द नेम्स ऑफ ऑल रिलेटिव्स, दीज आर रिलेटिव्स. And this is your relation. Arsha. Now, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, माई फैमिली एंड मी में, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली. वी आर नॉट, हम कोई एक्टिविटी सिंगल पेरेंट की नहीं करेंगे. हम सिर्फ, क्योंकि सिंगल पेरेंट फैमिली बहुत कम होते हैं, मोस्टली कौन कौन सी होती है, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. तो आपने जॉइंट फैमिली के लिए फैमिली ट्री बनाओगे बहुत ब्यूटीफुली. मुझे पता चला है कि इस चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा सा पता लगा है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम इकट्ठे फैमिली में क्यों रहते हैं, हम अलग अलग बाहर की कंट्रीज की तरह हम अलग अलग क्यों नहीं रहते. हम हमेशा इंडिया में, आप देखो हर जगह देखो, बच्चे जो छोटे होते हैं दे ऑलवेज लव, आपको अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स के साथ इकट्ठे रहने में. उसके क्या फायदे होते हैं, क्या वैल्यूज आप सीखते हो, और सबसे ज्यादा आप कौन से अपने फैमिली मेंबर को प्यार करते हो और क्यों करते हो. अच्छा, उसके बाद अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, सपोजिंगली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो आपने हर एक फैमिली का अपना कोई कस्टम, कोई ट्रेडिशन होता है, कुछ फॉलो करते हैं, कुछ फेस्टिवल्स, कुछ त्योहार फॉलो करते हैं. तो आपने क्या करना है, आप आज घर पे अपने पेरेंट्स से, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो अपने पेरेंट्स से, और अगर बहुत ही अच्छी बात है अगर जॉइंट फैमिली है तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये पूछना है कि हमारे कौन से फेस्टिवल्स बहुत फेमस हैं, हमारी फैमिली में कौन से दो ऐसे फेस्टिवल्स हैं विच आर फॉलोड, जो बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं. तो आपके लिए बहुत सारा काम है बच्चों करने के लिए. अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो आप फैमिली ट्री बनाओगे, बताओगे, फोटोज लगाओगे, ग्रैंडफादर की अच्छी सी फोटो, ग्रैंडमदर की फोटो, मम्मा की, पापा की, ब्रदर की, सिस्टर की, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे कि कौन से दो ऐसे फेस्टिवल्स और ट्रेडिशन, कौन सी चीजें हमारी फैमिली में फॉलो होती हैं. अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में अगर सिर्फ अपने मम्मा पापा और ब्रदर सिस्टर के साथ रहते हो तो एक फैमिली फोटो लगाओगे और उसमें सारे एरो करके ऐसे ऐसे पिन करके बताओगे ये मम्मा है, ये पापा है. उसके बाद अगर जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली जहां भी रहते हो, एक क्वेश्चन का आंसर मैं सब बच्चों से चाहूंगी इस चैप्टर के बाद,
कौन सा फैमिली मेंबर आपको बहुत अच्छा लगता है और वो क्यों लगता है। आपको ये एक्टिविटीज घर के लिए समझ आ गई क्या क्या करनी है आपको? ओके बच्चों, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये टॉपिक पढ़ा के, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी बड़ा मजा किया होगा अपने परिवार और फैमिली के बारे में जान के। तो जो जो चीजें मैंने आपने आपको करने के लिए दी हैं, असिस्टेंट टीचर हेल्प करेंगी और आप वो एक्टिविटीज मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे और मैं देखूंगी कि आपने वो करी है कि नहीं करी है। आपने ये सारी चीजें करनी है। सो बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
you.